फ्रेंड, मेरा नाम है मुकुल जैन और आप देख रहे हैं एक्सेल मुकुल। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट और मार्क्स लिखे हुए हैं। दोस्तों, जब आप ध्यान देखोगे तब आप देखोगे कि सब्जेक्ट हमारे रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैथ हमारा 3 बार आ रहा है, इंग्लिश, आर्ट भी इसी तरीके से हमारा मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। तो अगर हमें इसमें सब्जेक्ट वाइज एवरेज निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में आज हम यही देखेंगे। दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज एवरेज निकालने के लिए इसमें हमें 2 फॉर्मूले यूज करने होंगे। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा सम का। तो सम का पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये रेंज है और इसका आपको सम करना है, तो आप सिंपल सा आप इसमें इक्वल का साइन दबाओगे, सम का फॉर्मूला लगाओगे और ब्रैकेट लगा के वो रेंज ले लोगे और ब्रैकेट ऑफ कर दोगे, तो आपका ये टोटल आ जाएगा जो कि आपका 733 है, 733। और इसमें जो दूसरा फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा आपका काउंटिफ। तो काउंटिफ फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको ये पता करना है कि इन सब्जेक्ट की जो लिस्ट है उसमें इंग्लिश कितनी बार आ रहा है, इंग्लिश सब्जेक्ट कितनी बार आ रहा है, तो उसके लिए हमारा काउंटिफ का यूज होगा। मतलब काउंटिफ करता क्या है, किसी क्राइटेरिया बेस उसका काउंट कर देता है। जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया है इंग्लिश और कितनी बार इंग्लिश आ रहा है वो आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला मैं लगा के दिखाता हूँ इंग्लिश का, वो सॉरी काउंटिफ का। तो आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट, उसके बाद काउंटिफ। जब आप काउंटिफ लगाओगे तो उसमें दो आपको पैरामीटर मिलेंगे। सबसे पहले मिल रहा है आपको रेंज, दूसरा मिला है क्राइटेरिया। तो मैंने भी बताया कि दो दो चीजें होती है, एक तो रेंज होगी जिसमें वो क्राइटेरिया बेस आपका काउंट करेगा। तो एग्जांपल से आप समझ जाओगे। तो ये आप हो गई आपकी सब्जेक्ट जो हो गए वो हो गए आपके रेंज। तो मैंने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर ली, कॉमा लगा के आपको करना है क्राइटेरिया सिलेक्ट। तो क्राइटेरिया आपका हो गया यहाँ पे जैसा कि इंग्लिश। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिख दिया। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप देखोगे 3 बार इंग्लिश आ रहा है। चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3। तो 3 बार यहाँ पे आपका इंग्लिश आ रहा है। तो इस तरीके से हमने सम और काउंटिफ सीख लिए। अब हम देखते हैं कि एवरेज कैसे निकालेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो एवरेज बिल्कुल सिंपल तरीका है निकालने का। अगर आप मैनुअली निकालते तो विदाउट फॉर्मूला, तो सब्जेक्ट एवरेज कैसे निकालेंगे उस सब्जेक्ट का। जैसे मैथ हम देख लेते 3 बार आ रहा है, तो आप इसको 3 बार आप क्या करोगे, प्लस करा लोगे। ये बहुत सिंपल तरीका है निकालने का, और डिवाइड बाय इसको कर दोगे 3। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 81.33। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए कभी ये रेंज अपडेट हुई तो फिर क्या होगा कि आपका फॉर्मूला वो गलत हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि बार बार अपडेट्स हो रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट चेंज किए जा रहे हैं, तो भी आपका ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा क्योंकि ये मैनुअली डाला गया है। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे इसका, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, थोड़ा सा एडवांस है, तो इस पर आप लोगों का ध्यान जरूरी है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करूँगा पूरी कि ये आपको समझ में आए। मैं आशा भी करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप इसमें लगाओगे सम का फॉर्मूला। तो सम का फॉर्मूला कैसे लगाना है, पहले आप वो देखो, इक्वल का साइन, सम, ब्रैकेट, और वो ब्रैकेट में एक ब्रैकेट लगा के आपको लेनी है वो सब्जेक्ट की रेंज। टिक बॉक्स को मैं नीचे कर देता हूँ। अब आपने सब्जेक्ट ले लिया है, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करा दिया है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, मतलब एस्ट्रिक का साइन, और दूसरे ब्रैकेट में आपको लेने हैं मार्क्स की रेंज, जहां पे आपके मार्क्स लिखे हुए हैं, और इसको भी आपने क्या करा दिया, यहाँ पे ब्रैकेट से लगा दिया है। दोस्तों, यहाँ पे जहां आपने D2 to D10 लिया था, जहां सब्जेक्ट आपने लिए थे D2 to D10, यहाँ पे आपको कंपेयर कराना पड़ेगा इस मैथ को, जहां पे ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसको आपने कंपेयर करा दिया। D2 to D10 आपकी रेंज होगी सब्जेक्ट की, और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए हमें, मैथ चाहिए, इसलिए हमने इक्विवेलेंट क्या कर दिया, G2, जहाँ पे वो सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है। ये दोस्तों करेगा क्या फॉर्मूला, जहां जहां मैथ होगा उसी का केवल सम करेगा, और
अब क्या करना है, एक ब्रैकेट और लगाना है सम को खत्म करने के लिए। अभी पूरा आपका सम निकल चुका है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अब डिवाइड करना है जितनी बार वो सब्जेक्ट आ रहा है। और मैंने बताया था जितनी बार वो सब्जेक्ट आ रहा है उसको काउंट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यस काउंट इफ लगाते हैं। तो हम यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाने के बाद काउंट इफ लगाएंगे। डिवाइड का साइन लगा दिया मैंने और यहाँ पे लिखा काउंट इफ, और सिंपल सा जो फॉर्मूला पहले बताया था वो मैंने अब फिर से लगाने जा रहा हूँ। रेंज देनी है तो मैंने रेंज दे दी D2 to D10, उसके बाद कॉमा, और क्राइटेरिया हमारा है मैथ तो हमने मैथ सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ। तो ये दोस्तों पूरा फॉर्मूला लग चुका है, इसमें बस एक चीज और करनी है, रेंज हम लोग फिक्स करा लेंगे। तो रेंज कैसे फिक्स कराएंगे, जैसे D2 to D10 मैंने सेलेक्ट किया, F4 के संग रेंज आपने फिक्स करा ली, E2 to E10 रेंज फिक्स, F4 से फिर D2 to D10 रेंज फिक्स करा ली। उसके बाद अब ये फॉर्मूला दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसमें प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर क्या करेगा, इसको एरे फॉर्मूला बना देगा। तो देखिए दोस्तों 81.33 आ चुका है, और जैसे ही आप इसमें ट्रैक करोगे वैसे ही ये इंग्लिश के और आर्ट के आपके एवरेज आ चुकी है। एक बार चेक कर लेते हैं आपको इंग्लिश के एवरेज, तो मैंने फिर से ब्रैकेट लगाया, मैं मैनुअल फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। 71 + 84 + 79 / 3, तो ये आपको बिल्कुल सही आ रहा है। आर्ट भी आप लोग चेक करा लीजिएगा कि आर्ट का भी बिल्कुल सही आएगा। और इस तरीके से हमने दोस्तों एवरेज निकालना सीखा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा पेज फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।